अस्सलाम वालेकुम। आज हम छोटे बच्चे का वास्कोट कटिंग करने जा रहे हैं। ये वास्कोट में कुर्ता भी अटैच रहेगी, यानी कुर्ता वास्कोट दोनों अटैच रहेंगे। तो फिलहाल में हम इसको पहले वास्कोट कटिंग करेंगे। देखिए, वास्कोट 19 इंची लंबाई है, छोटे बच्चे का है। 23 इंची चेस्ट है, 21 इंची बेस्ट है, 22.5 इंची हिप है, 12 इंची शोल्डर है। शुरू करते हैं, कटिंग करते हैं। एक कपड़े का छोटा सा पीस है, सबसे पहले हम बैक को कट करेंगे। तो हम पहले सीधा एक मार्क लगाएंगे। उन्नीस इंच लंबाई है इसका, तो हमें टोटल 18 इंच देंगे, यानी इसमें कंप्लीट तैयारी आ जाएगी इसका। पहले हम यहाँ पे 1 इंच मार्जिंग रखेंगे कि कभी भी लंबाई छोटा हो तो हम 1 इंच बड़ा कर सकते हैं। सारे 18 इंच पर कटिंग करेंगे क्योंकि सामने क्रॉस रहेगी। सारे 18 इंच पर कटिंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगी, 17.5 इंच तैयारी आएगी। अब यहाँ पे 1 इंच ही मार्जिंग देंगे, डाउन करेंगे शोल्डर के लिए। और यहाँ पे ऊपर से 6 इंच मार्जिंग लाएंगे और यहाँ पे 11 इंच पे बेस्ट का मार्जिन। पहले हम सीधा एक मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्क लगाएंगे, यहाँ पे भी 1/2 इंच का मार्क लगाएंगे और यहाँ पे 1 इंच का मार्क लगाएंगे, यहाँ पे 1 इंच, 1 पॉइंट ज़्यादा। इसमें ब्रेस रहेगी, सामने ब्रेस रहेगी, तो हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर है यानी 12 इंच, तो हम इसको 12 इंच नहीं रखेंगे, 1/2 इंच कम रखेंगे। तो हम 6 इंच, 12 इंच का 6 इंच, 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो ये टोटल 11.5 इंच तैयारी आएगी। 23 इंच चेस्ट है, 23 का चौथा हिस्सा आती है, 1/4 इंच, यहाँ पे 1/4 इंच पर रखेंगे। बेस्ट है 21 इंच, उसका चौथा हिस्सा आती है 5.25, यहाँ पे 5.25 इंच रखेंगे। 22 इंची हिप है, उसका चौथा हिस्सा आएगी 5 इंच, 5.5 इंच, 1 पॉइंट ज़्यादा रहेगी। यहाँ पहले हम एक सीधा स्केल पकड़ेंगे, छोटा बच्चा का अंदाज से भी हम क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन तभी भी 1 इंच यहाँ सीधा स्केल शोल्डर से सीधा स्केल रखेंगे, यहाँ से 1 इंच अंदर देंगे। अब यहाँ से गोलाई कर लेंगे। और यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन आएगी और यहाँ से गोलाई करेंगे, 1/4 इंच हो गया नीचे। अभी हम इसको कटिंग कर लेंगे। यह हमारा वास्कोट का बैक हो गया। हम इस तरह बैठा के इसको मार्क उठा लेंगे।
हमारा चेस्ट है, ये इसका चेस्ट है 23 इंच, 23 का चौथा हिस्सा मार्जिन मार्क लगाएंगे यानी 6.5 इंच आती है। अब यहाँ से हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे, इक्कीस इंच का चौथा हिस्सा 5.25 इंच आ रही है, यहाँ से हम 2.25 इंच ज़्यादा लेंगे और यहाँ पे 22.5 का चौथा हिस्सा 5.5 इंच 1 पॉइंट ज़्यादा, और यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंच मार्जिन लेंगे और यहाँ से जो हमारा शोल्डर है 12.5 इंच है, हम इसको 12 इंच पे मार्क लगाएंगे यानी 6 इंच पे मार्क लगाएंगे। ये जो मैंने चेस्ट का मार्क लगाया है, ये मार्क से सीधा मार्क लगाएंगे। उसके बाद ये बैक नाप लेंगे, बैक के हिसाब से है ना यहाँ पे मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हम मार्क लगा लेंगे। और ये चेस्ट वाला मार्क यहाँ पे मार्क इसको मिला लेंगे। अब इसको हम गोलाई कर लेंगे यहाँ से, तो हमारा ये मार्क फिक्स आ रही है। अब ये मार्क से हम इसको नीचे ढलाएंगे डेढ़ इंच, नीचे डेढ़ इंच, और यहाँ साइड से 2.5 इंच रहेगी, और ये मार्क से ऐसे क्रॉस करेंगे यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करेंगे, छोटे बच्चे का है तो हम इसको 11 इंच पे ब्रेस को पलटी करेंगे, 11 इंच पे पलटी करेंगे। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच रखेंगे, राउंड करेंगे ब्रेस को। ये हमारा ये सीधा मार्क हो गया, अब यहाँ से हल्का राउंड करेंगे और यहाँ से हम इसको गोलाई करेंगे, हल्का गोलाई। ये ब्रेस इस तरह पलटी हो जाएगी, ऐसे पलटी हो जाएगी, 5.5 इंच पे वाली पैकेट का मार्क लगाएंगे। पौने 3 इंच रहेगा बच्चे का है, 3.5 इंच रहेगा वाली।
अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये फर एंड हो गया, ये हमारा बैक हो गया, बच्चे का कंप्लीट हो गई है हमारा कटिंग। और इसको स्टिचिंग करके भी दिखाएंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कोई भी सवाल है कमेंट करके बताएं।